दर्शकों आप सभी का सिटी वेब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी अपील है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में एक दिन में कोविड-19 के 45,951 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 817 मरीजों ने कोरोना वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई। 81 दिनों में सबसे कम मृतकों की संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,03,62,848 पर पहुंच गई, जबकि एक दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार तीसरे दिन 1,000 से कम रही। बीते 24 घंटे में 817 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,98,454 हो गई। एक दिन में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 81 दिनों में सबसे कम है। अब हम बात करेंगे जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें लगातार बीते एक महीने से जनपद सहारनपुर में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में केवल 3 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर जनपद में 32,858 हो गए। वहीं आज राहत की बात यह भी रही कि 3 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद अब एक्टिव केस की संख्या जनपद में 46 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। आज का अपडेट आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यूं ही देखते रहिए सिटी वेब। तब तक के लिए धन्यवाद।